नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको एक बताया था नोटिफिकेशन में कि जल्दी ही जो है BSTC के जो प्री फॉर्म है वो निकलने वाले हैं, उसके क्लासेस भी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज जो है न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में जो ये सारा नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये जो पहले जैसे इसको BSTC नाम से बोलते थे राजस्थान में, लेकिन अब जो है DLED ही बोलेंगे। हालांकि पहले भी DLED मेंशन रहता था, लेकिन अब प्रॉपर नाम जो है इसका DLED बता दिया है। तो इसका जो बीच में आ रहा था कि होगी या नहीं होगी, तो ये पूरा कंफर्म हो गया है। इसके जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कब से भरे जाएंगे, 14 मार्च 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये 8 अप्रैल तक चलेंगे जो BSTC प्री के जो एग्ज़ाम है, और जो आपके एग्ज़ाम होने के हैं जो पहले हो जाती थी लगभग मई के फर्स्ट वीक में, मतलब 4 या 5 या 7 तारीख तक हो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा लेट होने की वजह से अब जो एग्ज़ाम होगी वो 26 मई को होगी। तो ये आप ध्यान रखें। हालांकि जैसे आपका पहले थोड़ा टाइम कम हुआ है, तो आपका टाइम थोड़ा एग्ज़ाम के लिए बढ़ा भी दिया गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, आपको पूरा टाइम मिलेगा आपकी तैयारी करने में। तो आपका जो टाइम रहेगा वो 2 से 5 रहेगा, ठीक है। तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो अब बता देती हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन जो है DLED कर सकते हैं, DLED क्या काम आता है। तो ये है, तो DLED जो है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। मतलब एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक लेवल पर, मतलब आप जो पढ़ा सकते हैं, आप कहाँ तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे टीचर बनने के लिए, 1 से 5, ठीक है। तो ये ओनली 5 5वीं तक की कक्षा तक ही वैलिड है, तो आप ये ध्यान रखें। तो और जैसे जिसने 12th पास करी है अभी रिसेंटली, तो वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर BA भी कर रखी है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर BSTC के थ्रू अगर टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये मिनिमम जो है 2 साल का डिप्लोमा होता है। और ये जो होता है दो, जैसे एक तो सामान्य होता है, एक संस्कृत से होता है। एक डिप्लोमा BSTC में जो है संस्कृत से होता है, एक सामान्य होता है जनरल से। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 14 मार्च से जो स्टार्ट होने वाले हैं, 8 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप तभी ये डिप्लोमा कर सकते हैं जब आपकी 12th क्लास में जो है 50% बनी हो, ठीक है। अगर ST या SC में है तो 40% रिक्वायर्ड है, 45%, और OBC में भी 45%, ठीक है। और विकलांग में है तो भी 45%, और सामान्य में विधवा या फिर परित्यक्त का तो जो है उनमें भी 45%, और जो जनरल में है उनके लिए 50% जो है ज़रूरी है। तो ये सामान्य और संस्कृत दोनों के अंतर। और जैसा कि जो अभी 2019 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके मार्च में भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास जो है 12th की डिग्री है पहले से ही, या फिर मार्कशीट है, वो ही भरेंगे, नहीं। जो एग्ज़ाम देंगे अभी मार्च में चल रहे हैं, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, ये जो 4th पॉइंट है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जो आवेदक वर्ष 2019 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। मतलब जब काउंसलिंग वगैरह होगी तब तक आपके जो है जो मार्कशीट वगैरह है सब आ चुकी होंगी, तो ये आप ध्यान रखें। और आयु जो है वो 28 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है, आवेदक की आयु। वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आगे लिखा हुआ है कि विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्त का महिलाओं तथा राजकीय सेवा में सेवारत शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए राजकीय सेवा नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी, तो ये बात ध्यान रखें। तो आवेदन जो है, फॉर्म जो सबमिट किए जाएंगे, वो जो ये वेबसाइट दे रखी है उससे सबमिट किए जाएंगे, उसके माध्यम से। जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद जो है जो फीस कितनी लगेगी, जो जनरल है उनके लिए 400 रुपये है, ठीक है। जो सामान्य से
डीएलएड करो चाहे से संस्कृत से करो, दोनों के लिए जो है 400 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। अगर आप दोनों माध्यम के लिए अगर परीक्षा देंगे तो उनके लिए 450 फीस होगी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो आपका जो पेपर है उसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 200 आएंगे, ठीक है। तो ये चार पार्ट में डिवाइड रहेगा, ए बी सी डी ए बस ऐसे। और जो टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने आएंगे, 600 में से आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होगा, तो ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, वो जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे जो चार पार्ट में डिवाइड होंगे, तो ये मैं सारा आपको बता दूंगी। और जो टोटल नंबर होंगे वो 600 होंगे, ठीक है। तो जैसे भाग ए है तो उसमें मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। और भाग ब है, भाग बी, ठीक है, पार्ट बी, पार्ट बी में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, जीके, जीके कहाँ का आएगा, राजस्थान जीके आएगा, और इसमें भी क्या आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाग स, तो भाग स क्या है, शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा, तो 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें क्या आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। अब नेक्स्ट है भाग द, ठीक है, पार्ट डी जो है इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है कंपलसरी होगी, करने होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है जो 30 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे वो हिंदी या संस्कृत। तो हिंदी या संस्कृत कौन से, जो जो जनरल से सामान्य से अगर BHTC करते हैं वो किसको अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी को, और जो संस्कृत से BHTC करना चाहते हैं संस्कृत मीडियम में तो वो संस्कृत को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो बस यही चेंज है कि जो जनरल से करेंगे BHTC वो हिंदी से करेंगे, जो संस्कृत से करना चाहते हैं वो संस्कृत वाले क्वेश्चन जो 30 रिमेनिंग है उनको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल अब 50 प्रश्न, ठीक है। तो 20 तो अंग्रेजी के हो जाएंगे और इंग्लिश के, और 20 हिंदी या फिर संस्कृत, तो आपको जो सुटेबल आपको जो करनी है अटेम्प्ट तो वो आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 600 है, टोटल क्वेश्चन 200 है, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 3 नंबर का होगा, तो ये है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो जैसे कि अभी PBHTC की जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को होनी है, तो अभी टाइम है आपके पास खूब, तो आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम है, कई लोग जो होते हैं बिना तैयारी के भी एग्ज़ाम देते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन कई होते हैं जिन्होंने पढ़ी भी होती है बुक फिर भी नहीं निकाल पाते हैं, तो इसकी कई वजह हो सकती है। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें मार्क्स ज़्यादा लाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है अपनी वहाँ पर आप ये डिप्लोमा कर पाएंगे। अगर आपके मार्क्स जो है कम रहते हैं तो आपको बाहर रह के जो है डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो जैसे कि 600 मार्क्स है टोटल, तो मैं आपको इस तरह से जो पूरा सिलेबस आपको कवर कराऊंगी, आपको कौन सी जो चीज़ें पढ़नी है, जीके में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सारी नहीं पढ़नी है, कितने लेवल का पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, उसी बेस पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आप जो मेनली जो है आप 450 से ऊपर आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरह से जो स्कोर कर पाओगे कि 450 लगभग आ जाएंगे, अगर 400 से भी ऊपर आते हैं तो आपको मोस्टली जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो आपको ये प्रीफर करना है कि मुझे अच्छा स्कोर इसलिए करना है क्योंकि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी, तो आपको ऐसे नॉर्मल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अपनी सिटी से बाहर, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहकर करोगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स वो आती है, तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट में जो है आप ये अपना डिप्लोमा कर पाओगे इजीली। तो ये चीज़ है। और जल्दी, जैसे कि आज मैंने आपको सिलेबस और जो भी डेट है वो डिस्कस कर दिया है, तो ये बात आप, तो सबसे पहले जो है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कब से जो है फॉर्म स्टार्ट है, 14 मार्च से है, और कब खत्म होंगे, 8 अप्रैल को, ठीक है, तो आप इसको नहीं भूलना है, तो ये बात ध्यान रखें। उसके बाद जो है जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को होनी है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो उसमें पूरा फुल आपको टाइम मिलेगा, कोई वो नहीं है, और ज़्यादा कोई आपको इतने हाई कैटेगरी के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और जिस लेवल का आपको जो
एग्ज़ाम होगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग और वही जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी कराई जाएगी फुल, और आप जो है अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो आप जो भी करना चाहते हैं ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आप 12th पास है या फिर आपने बीए कर रखा है या फिर अब आप 12th दे जो 12th के एग्ज़ाम है जो देने वाले हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं एक बार डिटेल में और बता देती हूँ कि कैसे क्या हर टॉपिक में से क्या क्या आएगा। तो वैसे तो मैं कवर करवाने वाली हूँ पूरा, लेकिन फिर भी आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ क्या क्या आने वाला है। जैसे रीजनिंग में क्या क्या आ सकता है, जैसे एनालॉगी और जो है और D1 वगैरह चुनना, और रिलेशनशिप जो ब्लड वाले, और सीरीज़, और जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट वगैरह, और वेन डायग्राम, और सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सभी जो रीजनिंग में नॉर्मली हर एग्ज़ाम में जो आता है वही रीजनिंग में चीज़ें आएंगी, जैसे कैलेंडर के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, और जैसे आकृतियों को पहचानना कितनी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रीजनिंग में आएगी, तो इसमें कोई अलग नहीं है कि आपकी जो एग्ज़ाम में रीजनिंग जो है बहुत अलग आने वाली है, तो वो नहीं है। और राजस्थान जीके की जब बात करें तो राजस्थान जीके में जो है सभी चीज़ें आएंगी, ज्योग्राफी के बारे में भी चीज़ें आएंगी, तो इसमें जो है हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है, और जो कल्चर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है राजस्थान के जीके में आने वाली है। और जो शिक्षण अभिक्षमता मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें कोई आपको अलग नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि आप सच में एक टीचर बनने लायक है या नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप टीचर होके कैसी आपकी मेंटेलिटी होगी, कैसे आप बच्चों से डील करेंगे, इस तरह के जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे कोई अलग नहीं है। कि आप कितना सजग है, कैसे आप नेतृत्व करेंगे टीचिंग को, और कैसे बच्चों के साथ आप टीचिंग करवा पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में करवाई जाएगी। तो हालांकि ये प्रश्न जो है अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छे से दिमाग लगा के भी करते हैं नॉर्मल वे में, अपने कॉमन सेंस लगा के नॉर्मल लाइफ जो है अगर कनेक्ट करके अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ईजिली हो जाते हैं। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है करवा दूंगी, जिससे कि आप कोई भी जो क्वेश्चन है इनमें नंबर नहीं खोगे। तो जैसे कि 150 नंबर का होगा तो आप नॉर्मली जो है 150 में से 150 ही लाओगे, तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ऐसा है। उसके बाद जो है कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा, तो इंग्लिश में वही है कि टेंस आएंगे, प्रपोजिशन आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो कनेक्टिव्स वगैरह जो भी ग्रामर है वो सारी आएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें अंग्रेजी में ये सब चीज़ें आएंगी इंग्लिश में। उसके बाद है जैसे हिंदी में, तो हिंदी में हिंदी ग्रामर आएगी, हिंदी ग्रामर जैसे वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी शुद्धि कि ये जो शब्द लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, तो डिक्टेशन वर्ड्स, और जो समानार्थी वर्ड्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, इस तरह के जो है प्रश्न आएंगे। उसके बाद है तो संस्कृत, तो संस्कृत और हिंदी, तो जैसे कि हिंदी में जो व्याकरण आ रही है तो संस्कृत की व्याकरण ही पूछी जाएगी। तो ये था आपका सिलेबस का जो है ब्रीफ रिव्यू कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं कि आपको अंग्रेजी के बारे में पूछा जा रहा है और आपको लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो तो है नहीं, खाली ग्रामर जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वही चेक किया जाएगा आपका कि आपको इंग्लिश में कितना आता है और अंग्रेजी में कितना आता है। जैसे कि आपने 12th पास करी तो उसमें भी हिंदी अंग्रेजी तो आती है, उसके अलावा जैसे भी आपने बीए वगैरह करी हो तो भी उसमें तो है मोस्टली हिंदी अंग्रेजी रहती ही है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें अंग्रेजी वाला जो है आपको अनिवार्य है, कंपलसरी लेना पड़ेगा, चाहे से आप संस्कृत से हो चाहे से आप सामान्य से करें। उसके बाद आपको चूज़ करना है कि आपको किससे जो है BSTC करनी है, हालांकि नॉर्मल जो लोग करते हैं वो सामान्य से करते हैं, लेकिन अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये था आपका ब्रीफ रिव्यू सारे सिलेबस का कि क्या क्या आने वाला है, क्योंकि जैसे GK में मैंने बताया तो GK में जो है सारी चीज़ें आने वाली है, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ देंगे। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई अब बहुत हाई लेवल का पूछा जाएगा, नॉर्मल लेवल ही पूछा जाएगा, लेकिन उसमें पूरा कवर करना भी ज़रूरी है। तो आपको पूरी जो है मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, नॉर्मल जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे आपको बताए जाएंगे। तो जो भी तैयारी करना चाहता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, itisneha30@gmail.com, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी इस प्रिपरेशन करना चाहता है उसके साथ शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और राजस्थान जीके की क्लासेज है जो पहले से चल रही है, अगर आप और अदर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके के रिगार्डिंग, तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।